Hello students, today we are going to start the new lesson of third standard, subject EVS, topic name our body. तो आज हम इस लेसन में क्या देखने वाले हैं, हमारे बॉडी के बारे में स्टडी करने वाले हैं. हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं. तो आप सबको अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है, लेसन नंबर ओपन करना है 15 और पेज नंबर है 86. ये पेज नंबर आपको ओपन करना है, लेसन नंबर है 15 अवर बॉडी. तो इसके साथ साथ आपको अपना नोटबुक भी साथ में रखना है, साथ में पेंसिल पेन भी रखनी है, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फिर हार्ड वर्ड्स आते हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर सको. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. अवर बॉडी, कैन यू टेल, क्या मुझे बता सकते हैं, व्हाट आर दिस चिल्ड्रन डूइंग, तो ये जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं. जैसे आप फर्स्ट मतलब पिक्चर देख रहे हो, तो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो बॉय है वो क्या कर रहा है, बॉल को किक कर रहा है, फुटबॉल को. तो उस बॉल को किक करने के लिए वो किसका यूज़ कर रहा है, अपने लेग का यूज़ कर रहा है ना. तो नेक्स्ट पिक्चर जैसे कि किसका है, गर्ल का है, वो क्या कर रही है, हैट पहन रही है, मतलब जो टोपी है वो अपने सिर के ऊपर पहन रही है. तो वो टोपी पहनने के लिए किसका यूज़ कर रही है, कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ कर रही है, अपने हाथ का यूज़ कर रही है. उसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर में कौन दिखाई दे रहा है आपको, पुलिसमैन, वो क्या कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है. तो वो सैल्यूट करने के लिए किसका यूज़ कर रहा है, अपने हाथों का यूज़ कर रहा है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना. देन नेक्स्ट कौन है, ट्रैफिक पुलिस, तो वो क्या कर रही है, वो गर्ल जो गाड़ियाँ आ रही है उनको वो रोकने की कोशिश कर रही है. तो उन्हें रोकने के लिए वो किसका यूज़ कर रही है, अपने हाथों का यूज़ कर रही है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. देन नेक्स्ट पिक्चर है, उसमें क्या हो रहा है, जो नर्स है वो छोटे से बेबी को इंजेक्शन दे रही है. तो वो बेबी को इंजेक्शन देने के लिए किसका यूज़ कर रही है, अपने हाथों का यूज़ कर रही है ना. देन नेक्स्ट पिक्चर क्या दिखाई दे रहा है आपको, कौन है वो, कंडक्टर है ना. तो वो कंडक्टर किसका यूज़ कर रहा है, बेल बजाने के लिए, ये क्या है, बेल की रस्सी है. तो इस रस्सी को खींचने के लिए वो किसका यूज़ कर रहा है, अपने हैंड का यूज़ कर रहा है, हाथों का यूज़ कर रहा है. ओके, विच पार्ट ऑफ देयर बॉडी आर दे यूज्ड, तो यहाँ पे इस पिक्चर में जो चिल्ड्रंस है वो कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं. जैसे हमने अभी देखा कि जैसे कंडक्टर है, जैसे कि हर एक जो चिल्ड्रन है अपने हैंड का यूज़ कर रहा है, हैंड ये जो बॉडी पार्ट है उसका यूज़ कर रहा है. उसी तरह से अपने आइज का भी वो यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो चीज़ें प्रॉपरली हो सके. उसी के साथ साथ वो खड़े रहने के लिए अपने पैरों का यूज़ कर रहे हैं ना. हर एक जन किसी ना किसी बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट, कैन यू टेल पॉइंट आउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम बिलो, तो आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह का पिक्चर दिया गया है एक बॉय का है ना. तो उस बॉय के पिक्चर को देखकर उसके कौन कौन से बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट के नेम आपको लिखने हैं, जैसे यहाँ पे दिए हैं. तो उनको पॉइंट आउट करना है, उनको दिखाना है और पेंसिल से वहाँ पे राइट डाउन करना है. ओके, जैसे कि फोरहेड, तो फोरहेड ये बॉडी पार्ट कहाँ पे दिखाई देता है आपको, ये जो माथा है सिर का है ना, यहाँ पे ये क्या है, फोरहेड है. देन चीक, चीक कहाँ पे है, ये जो है ना, ये क्या है, गाल, इसे क्या कहते हैं, चीक. देन नोज है ना, नोज जो ये नाक है इसे क्या कहते हैं हम, नोज, तो ये यहाँ पे आएगा नेम. देन ईयर जो यहाँ पे है ना, जैसे आपको दोनों साइड पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ईयर्स है. देन टमी, टमी कौन सा है, ये क्या है, ये पार्ट जो है जिसे हम पेट कहते हैं वो क्या है, उसे हम क्या कहेंगे, टमी. देन चेस्ट, जो पेट और नेक के बीच में होता है ना, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, चेस्ट कहेंगे. आर्म जो है यहाँ पे है ना, जो शोल्डर से थोड़ा नीचे यहाँ पे जो हमारे हैंड, ये क्या है, पूरा हाथ है, हैंड है, लेकिन इसका जो ऊपर का पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं. और जो ये हथेली है इसके ऊपर जो ये पार्ट है इसे क्या कहते हैं हम, रिस्ट. और ये इन्हें क्या कहते हैं, हथेली को क्या कहते हैं हम, पाल्म. ओके, देन थाई, ये जो पार्ट है जो हमारे नी होते हैं घुटने उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, थाई. और ये क्या है, गुड़गों को क्या कहते हैं, नीज. ओके, नी. एंड फुट, ये क्या है, पैरों को नीचे ये वाले, इनको क्या कहते हैं हम, फुट कहते हैं. ओके, ये है हमारे बॉडी पार्ट्स.
तो ये बॉडी पार्ट्स आपको पता ही है, आपने प्रीवियस क्लास में जिस भी क्लास में आप थे तो उस क्लास में आपने ये सब सीखे हैं, है ना। ये बॉडी पार्ट्स आपको पहले से ही पता है, आप फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो अपने बॉडी पार्ट्स, तो इनके नाम भी आपको पता ही होंगे। देन नेक्स्ट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, लेट्स सी द हेड। हेड, टोर्सो, आर्म एंड लेग आर द मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो ये बॉडी, हमारी जो ये बॉडी है, इस बॉडी के मेन बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, जैसे कि हेड, है ना, ये क्या है, हेड, सिर, देन टोर्सो। टोर्सो किसे कहते हैं, जो पार्ट, जिस पार्ट में क्या होता है, चेस्ट, देन स्टमक और जो बैक साइड होते हैं, जिसे हम धड़ भी कहते हैं हिंदी में, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं, टोर्सो कहते हैं। देन आर्म एंड लेग, ये क्या है, आर्म और ये लेग आर द मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये क्या है, हमारे बॉडी के मेन पार्ट्स है। द हेड, आर्म एंड लेग आर जॉइंट टू द टोर्सो। तो जैसे कि हेड है, देन लेग है, हैंड है, मतलब आर्म है, तो ये आर्म, ये सब बॉडी पार्ट किससे जॉइन है, टोर्सो से जॉइन है। ये क्या है, इसे, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, टोर्सो कहेंगे, ओके। देन हेड, द हेड इज कवर्ड विथ हेयर। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कि जो हेड है हमारा, सिर है, वो किससे कवर हुआ दिखाई दे रहा है, हेयर से, जो बाल है, है ना। जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है, जैसे इस भी इमेज में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कि ये जो हमारा सिर है वो किससे कवर हुआ है, बालों से कवर है। देन बिलो द फोरहेड आर टू आईज, और यहाँ पे नीचे जो आईज के ऊपर जो है पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, फोरहेड कहते हैं, और फोरहेड के नीचे क्या है, आईज है, हमारे टू आईज दिए हैं। देन विथ आईब्रो एंड आईलैशेस। आईब्रो मतलब जो आईज के ऊपर जो आपको बाल दिखाई देते हैं छोटे छोटे, है ना, उसे क्या कहते हैं, आईब्रो कहते हैं। और जो आईलैशेस किसे कहते हैं हम, जो हमारे आईज होते हैं, आईज के ऊपर, आईज के पास क्या होते हैं, हमारे आईलैशेस होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पातमी कहते हैं, है ना। देन ऑन द साइड्स आर द ईयर्स, और हमारे सिर के दोनों साइड में क्या है, वन वन ईयर है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे इस भी इमेज में हमने अभी देखा था, है ना, क्या है, ये ईयर्स है, ईयर्स होते हैं। इन फ्रंट इज द नोज, और फ्रंट में सामने क्या होती है, नोज होती है, हमारे फेस के सामने क्या होती है, नोज होती है। देन बिलो नोज इज द माउथ एंड बिलो दैट द चिन। तो हमारे नोज के नीचे क्या होता है, हमारा माउथ होता है, जो हमारा मुंह होता है वो होता है, उसके नीचे जो नीचे का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, चिन कहते हैं, क्या कहते हैं, चिन कहते हैं, ओके। देन द पार्ट, और चिन को क्या कहते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारा फेस होता है, उस फेस सामने क्या होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, हाँ, फोरहेड। हेड को कौन कवर किया, हेड को किसने कवर किया, हमारे बालों ने, उसके नीचे क्या होता है, फोरहेड। फोरहेड के बाद क्या होते हैं, आईज, और आईज के ऊपर क्या होता है, आईब्रोज होते हैं, आईलैशेस होते हैं, आईलैशेस मतलब क्या, जो पातमी हम जिसे कहते हैं वो, है ना। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा उसके नीचे जो फ्रंट में दिखाई देता है क्या है, नोज होता है, नोज के नीचे क्या दिखाई देता है हमें, माउथ, और माउथ के नीचे क्या होता है, चीप। दिस द पार्ट दैट जॉइन द हेड टू द टोर्सो इज द नेक। और ये जो पार्ट है हमारे हेड का, ये पूरा क्या है, हेड का पार्ट है, है ना। तो इस पार्ट को किसने ज्वाइन किया है, टोर्सो से, ये क्या है, टोर्सो है। इसको किसने ज्वाइन किया है, किसकी मदद से ज्वाइन हुआ है, नेक की मदद से, है ना, ये क्या है, हमारा नेक है। जो हमारा हेड है, उस हेड को कौन ज्वाइन, टोर्सो से कौन ज्वाइन करता है, नेक ज्वाइन करता है, ओके। देन जैसे अभी हम देखेंगे टोर्सो क्या होता है, तो टोर्सो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, टोर्सो मतलब क्या होता है, जो पार्ट होता है चेस्ट का, एब्डोमेन मतलब जो स्टमक का पार्ट होता है, और बैक साइड होती है हमारे पीठ, है ना, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं हम,
टोर्सो कहते हैं। द चेस्ट अब्डोमेन एंड बैक टुगेदर मेकअप द टोर्सो। तो टोर्सो कैसे बनता है? चेस्ट अब्डोमेन एंड बैक, ये जो बैक है इससे मिलकर क्या बनता है? टोर्सो बनता है। द पार्ट वेयर द आर्म इज जॉइंट टू द टोर्सो इज कॉल्ड द शोल्डर। जो ये आर्म है ना, ये जो हमारे आर्म है, ये आर्म जिस पार्ट से जॉइंट होते हैं टोर्सो से, उस पार्ट को, ये जो पार्ट है इस पार्ट को क्या कहेंगे हम? शोल्डर कहते हैं। ओके, द लेग इज जॉइंट टू द टोर्सो एट द हिप जॉइंट। और जो हमारे लेग होते हैं, जो ये पैर है ना, ये लेग किससे जॉइंट होते हैं? टोर्सो से जॉइंट होते हैं। ओके, देन आर्म। तो ये जो आर्म है, जैसे मैंने अभी बताया था, जो आर्म है वो किससे जॉइंट होते हैं? शोल्डर से जॉइंट किए गए होते हैं टोर्सो की मदद से। देन आर्म, द आर्म हैज़ अ थ्री पार्ट्स। जो हमारे ये आर्म है ना, तो इस आर्म के कितने पार्ट्स हैं? थ्री पार्ट्स हैं। ओके, तो थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं? अपर आर्म, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो शोल्डर के नीचे ये जो पार्ट है जहाँ पे हमारा हैंड जॉइंट है, ये पार्ट यहाँ से नीचे थोड़ा सा, ये क्या है? अपर आर्म। देन फोर आर्म एंड हैंड। फोर आर्म हम किसे कहेंगे? ये जो बीच का एल्बो से नीचे ये जो कोनी होती है हमारी, इसके नीचे का जो ये पार्ट होता है हथेली से ऊपर, इसे क्या कहेंगे हम? फोर आर्म कहेंगे। और ये क्या है? हमारा हैंड है, जैसे यहाँ पे आप इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हैंड है, इसे क्या कहते हैं हम? हैंड। ओके, तो द फिंगर आर पार्ट ऑफ द हैंड। तो हमारा जो हैंड है, इस हैंड के ऊपर क्या होते हैं? फिंगर्स है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, कौन से? कितने? फाइव फिंगर्स है वन हैंड में, है ना, उंगलियां जिसे हम कहते हैं। देन द अपर आर्म एंड फोर आर्म आर जॉइंट टू द एल्बो। और जो ये अपर आर्म है, ये क्या है? अपर आर्म। और ये क्या है? फोर आर्म। ये कहाँ पे जॉइंट हो रहा है? एल्बो के ऊपर। ये क्या है? एल्बो, जिसे हम कोनी कहते हैं ना, इसे हम एल्बो कहते हैं। यहाँ पे ये जो अपर आर्म है और ये क्या है? फोर आर्म है, ये क्या है? जॉइंट है। जहाँ से ये जॉइंट हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम? एल्बो। द फोर आर्म एंड हैंड आर जॉइंट एट द रिस्ट। तो ये जो फोर आर्म है, ये फोर आर्म और ये जो हैंड है हमारा, ये जो हैंड है, हथेली है, ये कहाँ पे जॉइंट हो रही है? रिस्ट में। ये जो है, जिसे हम मनगट भी कहते हैं, इससे ये क्या हो रहा है? जॉइंट हो रहा है यहाँ पे। तो इस जॉइंट को क्या कहते हैं? रिस्ट कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज द लेग। तो लेग जो है, नाउ वी सी द लेग। लेग के कौन कौन से पार्ट है पैरों के? लेग के भी थ्री पार्ट्स होते हैं। द लेग टू हैज़ थ्री पार्ट्स। तो कौन कौन से थ्री पार्ट्स हैं? जैसे कि थाई है, देन शेंक है, और उसके बाद है फुट, मतलब ये पैर का पार्ट। ओके, टोज आर पार्ट ऑफ द फुट। जैसे कि हमारे जो फुट है, इस फुट के ऊपर क्या होते हैं? टोज होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इमेज में, जैसे है ना, द थाई एंड शेंक आर जॉइंट टू द नी। तो ये जो थाई है हमारा, ये थाई और ये क्या है? शिंक, जो नीच से, मतलब जो गुड़गे होते हैं उससे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे थाई कहते हैं, और नीचे का पार्ट जो होता है उसे शिंक कहते हैं। तो ये दोनों पार्ट कहाँ, जिस जगह पे जॉइंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? नी। ओके, देन द शिंक एंड फुट आर जॉइंट एट द एंकल। और जो ये शिंक और कौन सा पार्ट? फुट का पार्ट कहाँ पे जॉइंट होता है? यहाँ पे, है ना, इस पार्ट को क्या कहेंगे? एंकल कहेंगे। क्या कहते हैं? एंकल कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट। तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ न्यू टर्म्स दी है, नई टर्म्स आई है, जैसे कि ऑर्गन्स। तो अभी हमने क्या देखे हैं? बॉडी ऑर्गन्स देखे हैं। ऑर्गन्स मतलब क्या होते हैं? अवयव। जो हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं। वो हमने अभी देखा है। तो ऑर्गन्स, अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो ये जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये हम किसी ना किसी पर्पस से यूज़ करते हैं। हमारे हैंड हो, लेग हो, है ना, जो भी बॉडी पार्ट है उनका हम यूज़ करते हैं।
वी यूज़ अवर लेग्स फॉर वॉकिंग, जैसे हमारे लेग जो है, हमारे पैर जो है, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वॉक करने के लिए, चलने के लिए यूज़ करते हैं, रनिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं. देन सो लेग आर ऑर्गन्स, तो इस वजह से क्या है, लेग क्या है, ऑर्गन है. देन वी यूज़ अवर ईयर फॉर हियरिंग, तो हमारे जो ईयर है, ये जो ईयर है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, सुनने के लिए. देन सो ईयर्स आर ऑल्सो अवर ऑर्गन्स, तो इस वजह से ईयर्स भी क्या है, हमारे ऑर्गन्स है. जो भी हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है, उनका हम किसी ना किसी चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम उसका यूज़ करते हैं. जैसे नोज़ है, नोज़ का यूज़ हम स्मेल करने के लिए करते हैं, आइज़ का यूज़ हम देखने के लिए करते हैं, है ना. देन एक्सटर्नल ऑर्गन्स, तो अभी हमने क्या देखा, ऑर्गन्स देखे. तो जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं. नाउ वी सी द एक्सटर्नल ऑर्गन, तो एक्सटर्नल ऑर्गन मतलब क्या होता है, जो ऑर्गन्स हमें दिखाई देते हैं बाहर से, उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ऑर्गन कहेंगे. ऑर्गन्स दैट आर ऑन द आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी, जो ऑर्गन हमारे बॉडी के आउटसाइड, मतलब हमें हमारे आँखों से दिखाई देते हैं, उन ऑर्गन्स को क्या कहेंगे, हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहेंगे. जैसे कि लेग है, आर्म है, ईयर्स एंड नोज आर अवर ऑर्गन्स. तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स में कौन से आएंगे, जो ऑर्गन हमें दिखाई देते बॉडी ऑर्गन्स, जैसे कि हैंड है हमारा, नोज है, नेक है, उसी तरह से ईयर है, आर्म है, लेग है, ये सब क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है. देन दे आर ऑन द आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी, तो ये ऑर्गन सब कहाँ पे है, हमारे आउटसाइड, मतलब जो बॉडी है उस बॉडी के आउटसाइड है, हमें ऐसे ही आँखों से वो दिखाई देते हैं. हेंस दे आर अवर एक्सटर्नल ऑर्गन, इस वजह से उन्हें क्या कहेंगे, हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहेंगे. तो आज के क्लास में हमने क्या देखा है, आज के लेसन में अवर बॉडी के बारे में स्टडी किए, हमारे बॉडी में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है, उन बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, उनका यूज़ हम किस तरह से करते हैं, और जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है वो कौन से है, ये सब हमने आज के लेसन में देखा है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.